मूवी की शुरुआती सीन में हमें एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वहां काम करने वाला व्यक्ति मजे से बैठकर कुछ खा रहा होता है। तभी उसे पीछे की झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आती है। वो वहां जाकर देखता है, लेकिन तभी अचानक कोई चीज आती है और वह उस पर हमला कर उसे मार डालती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जंगल में आए थे। लड़की का नाम पोली होता है और लड़के का सेठ। हालांकि सेठ यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन पोली की जिद के कारण उसे यहाँ आना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इसी जंगल में हम एक और कपल को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो गई है। डेनिस जो कि जेल से भागकर आया था और उसकी गर्लफ्रेंड लेसी भी उसके साथ थी। लेसी बहुत ही ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट थी। अब डेनिस उस गाड़ी को सड़क से साइड कर देता है और वहां से वे लोग पैदल ही चलने लग जाते हैं। अब हम उसी सड़क पर सेठ को देखते हैं जो गाड़ी लेकर उनकी ही तरफ आ रहा था। तभी लेसी उन लोगों से लिफ्ट मांगती है जो देख लेता है। तब पोली गाड़ी रोक देती है। फिर वे दोनों लोग सोचते हैं कि क्या उन लोगों को इस लड़की को लिफ्ट देनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी झाड़ियों से निकलकर डेनिस वहां पर आ जाता है और उन दोनों पर बंदूक तान देता है। अब डेनिस पोली को पकड़ लेता है और सेठ को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन सेठ कहता है कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। जिसके बाद वह पोली को गाड़ी चलाने को कहता है और खुद वे लोग गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। डेनिस उन दोनों का फोन छीन लेता है और बाहर फेंक देता है ताकि वे लोग पुलिस कॉन्टेक्ट ना कर पाए। अब वे लोग जंगल के बीच से जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के नीचे कोई जीव आ जाता है। जिसके बाद पोली अचानक गाड़ी को रोक देती है क्योंकि उस जीव की वजह से गाड़ी का टायर फट जाता है। जिसके बाद डेनिस सेठ को गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी सेठ कहता है कि उसे गाड़ी का टायर खोलना ही नहीं आता। जिसके बाद पोली और डेनिस टायर बदलने में लग जाते हैं और इधर सेठ और लेसी उस मरे हुए जीव को देखने के लिए जाते हैं। अब टायर चेंज करने के दौरान डेनिस की अंगुली में कोई नुकली सी चीज फंस जाती है जो उस टायर में लगी हुई थी। इधर लेसी और सेठ उस मरे हुए जीव को देखते हैं जो गाड़ी के टायर के नीचे आने के कारण सड़क से चिपक गया था, लेकिन फिर भी वह हिल रहा था। जिसके बाद लेसी सेठ पर बंदूक तान देती है और उसे उस जीव की मदद करने के लिए कहती है। अब सेठ उस जीव की मदद करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उस जीव में और ज्यादा हलचल होने लग जाती है। फिर अचानक वह बहुत ही तेजी से हिलने लग जाता है, जिस कारण लेसी डर के मारे उस पर गोलियां चलाने लग जाती है और दौड़कर वापस आकर कार के अंदर बैठ जाती है। जिसके बाद डेनिस जल्दी से पोली को कार चलाने के लिए कहता है, लेकिन पोली सेठ का वेट कर रही थी। जैसे ही सेठ आ जाता है वे लोग कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। पीछे हम उस टायर को देखते हैं जो फटा था, जिसमें से अब नुकीले कांटे बाहर निकल रहे थे जो बहुत ही भयानक थे। लेसी को इतना ज्यादा डरा देखकर डेनिस उससे पूछता है कि क्या हुआ। अब लेसी उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन डेनिस को लगता है कि उसने ड्रग्स नहीं ली है और इस कारण वह ऐसी बातें कर रही है। डेनिस पोली को गाड़ी तेज भगाने के लिए कहता है, जिसके बाद पोली गाड़ी को और तेज भगाती है, जिस कारण इंजन गर्म हो जाता है और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वे लोग सामने के गैस स्टेशन पर जाकर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। आपको बता दें कि ये वही गैस स्टेशन है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था, जहां पर वह खतरनाक जीव रहता है। गाड़ी से उतरते ही डेनिस और लेसी के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लेसी की बातों का डेनिस यकीन नहीं कर रहा था। जिसके बाद लेसी वॉशरूम की तरफ चली जाती है और सेठ गाड़ी में फ्यूल भरने लग जाता है। इधर हम डेनिस और पोली को देखते हैं जो शॉप के अंदर जाते हैं, जहां डेनिस हर एक खाने की चीज को खा रहा होता है क्योंकि वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तभी पोली को एक फोन दिखाई देता है। अब हम वापस लेसी को देखते हैं जो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है क्योंकि वह अंदर से लॉक था। जब वह जोर से गेट को खोलती है तो वह बाथरूम के अंदर एक आदमी को देखती है जो बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा था, जिसे उस जीव ने काट लिया था और उसके पूरे शरीर पर नुकीले किले बाहर निकल आई थी। यानी अब वो एक राक्षस बन गया था। जिसके बाद लेसी डर जाती है और वहाँ से भागती है। वे आकर डेनिस को सब कुछ बताती है कि उसने बाथरूम के अंदर कांटे वाले इंसान को देखा, लेकिन इस बार भी डेनिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, लेकिन तभी वह कांटे वाला आदमी लेसी का पैर पकड़ लेता है। लेसी चिल्लाती है, तब डेनिस दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता है और वह कांटे वाला आदमी उसे मार डालता है। जिसके बाद डेनिस को भी यकीन हो जाता है कि लेसी अब तक जो कह रही थी वह सब कुछ सच था। अब वह कांटे वाला आदमी, जिसे हम स्प्लिंटर कह सकते हैं, वह सेठ पर हमला कर देता है, लेकिन डेनिस और सेठ दौड़कर शॉप के अंदर चले आते हैं। जिसके बाद पोली पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस फोन
छीन कर तोड़ देता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर पुलिस आई तो वह उसे भी पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि वह जेल से फरार था। और अब डेनी से जाकर काउंटर से पैसे निकालना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है, तब वह मॉनिटर पर जाकर बाहर की वीडियोस को देखता है, जिसमें उसे दिख रहा था कि बाहर लेसी की बॉडी अभी भी हिल रही थी। तब डेनिस को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है, जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए बाहर जाता है। लेकिन सेठ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो वे दरवाजा बंद कर देंगे और तुम्हें किसी भी हालत में अंदर नहीं आने देंगे। तब डेनिस कहता है ठीक है और वह बाहर चला जाता है। वह लेसी के पास जाता है और उसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक लेसी डेनिस पर हमला कर देती है और उसका पैर पकड़ लेती है। ये देख डेनिस घबरा जाता है। तब सेठ डेनिस का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन दरवाजा बंद करने के दौरान लेसी का हाथ कटकर अंदर गिर जाता है और वह हाथ चलने लग जाता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन समय रहते सेठ उस हाथ को कुचल देता है। तब वे लोग देखते हैं कि उस हाथ से कुछ काला पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो कि स्प्लेंटर बना रहा था। तब सेठ उन लोगों को बताता है कि ये एक प्रकार का फंगस है। तभी वे लोग देखते हैं कि लेसी कांच पर अपना सर पटक कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेसी को इस हालत में देखकर डेनिस इमोशनल हो जाता है। तब वे लोग डेनिस को समझाते हैं कि अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वे सारे लोग पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। पीछे का एक दरवाजा खोलने के बाद उन्हें एक और दूसरा दरवाजा दिखता है, जिस पर ताला लगा हुआ था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि लेसी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, जिस कारण वे लोग जल्दी से पीछे का दरवाजा वापस बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि उस शॉप के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वह उन लोगों पर गन तान देती है और उन्हें बाहर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे सारे चोर हैं। तब वे लोग अंदर से चिल्ला हैं कि बाहर खतरा है और वह जल्दी से यहाँ से चली जाएं। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वह पीछे से जीव आता है, जो पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसके बीच में से दो टुकड़े कर देता है। अब हम डेनिस को देखते हैं, जो अपनी अंगुली को देख रहा था, क्योंकि टाइट बदलने के दौरान उसकी अंगुली पर जो कांटा लगा था, उस कांटे की वजह से वह फंगस उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। लेकिन डेनिस ये बात किसी को नहीं बताता है। अब सेठ एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगर किसी तरीके से बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगा दे तो पुलिस को पता चल जाएगा और वह आकर इन लोगों को बचा लेगी। जिसके बाद डेनिस पीछे के दरवाजे से पेट्रोल बार बाने लगता है। तब सेठ कहता है कि गलती से भी अगर आग गैस स्टेशन के अंदर लग गई तो सभी लोग ब्लास्ट में मारे जाएंगे। अब इसी दौरान सेठ को खिड़की से उस पुलिस ऑफिसर का रेडियो दिख रहा था, जिसे वे तार की मदद से अंदर खींचने की कोशिश करता है, ताकि वे पुलिस से मदद मांग सके। लेकिन तभी लेसी उस तार को पकड़ देती है, जिसे सेठ अंदर खींचने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान लेसी का एक हाथ टूटकर खिड़की से अंदर गिर जाता है। फिर वे हाथ उन लोगों पर हमला कर देता है। वे सारे लोग डर जाते हैं और भागकर फ्रिज के पास जाकर छुप जाते हैं, जहां पर वे हाथ अब नहीं आता है। तब हम डेनिस को देखते हैं, जिसके हाथ में फंगस पूरी तरीके से फैल गया था और उसका हाथ अब अपने आप ही हिलने लग जाता है, जिसके बाद उसका हाथ टूट जाता है, जिस वजह से डेनिस को बहुत ही दर्द होता है और वह अपने हाथ को काटने लगता है, ताकि वह फंगस उसके शरीर में ना फैले। लेकिन वह अपने हाथ को नहीं काट पाता है, जिसके बाद सेठ उसकी मदद करता है और उसके हाथ को तोड़कर पूरी तरीके से अलग कर देता है, ताकि वो उसकी जान बचा सके। अब सभी लोग देखते हैं कि डेनिस का कटा हुआ हाथ उन लोगों पर हमला नहीं करता है। तब सेठ सब कुछ समझ जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि यह फंगस ठंडी जगह पर काम नहीं करता है, जब इसे गर्मी मिलती है तो यह पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। जैसा कि यह फ्रिज हमारे पास है, यानी यह ठंडी जगह है, तो यह स्प्लिंटर यहाँ काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद सेठ को एक आइडिया आता है और वो फ्रिज में रखी हुई बर्फ और कुछ अन्य हथकंडे अपनाकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर लेता है और बाहर जाता है, ताकि वह पुलिस की गाड़ी में जाकर मदद बुला सके। और हम देखते हैं कि अब पोली पीछे के दरवाजे से फटाके जलाकर बाहर फेंकती है, ताकि उन स्प्लिंटर का ध्यान भटक जाए। अब हम सेठ को देख रहे होते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम था, इसलिए वह पूरी तरीके से कांप रहा था। लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से वह बर्फ का टुकड़ा फिसल जाता है और जिसके बाद उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। अब सेठ पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचता है और अंदर बैठ जाता है। अब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से स्प्लिंटर उसके पास आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन समय रहते सेठ को पता चल जाता है और वह कार का दरवाजा बंद कर लेता है। अब हम दूसरी तरफ डेनिस को देखते हैं, जो स्प्लिंटर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्प्लिंटर उसके
पीछे बट जाता है और स्प्लिंटर उसे शॉप के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो पोली और डेनिस के पीछे पड़ जाता है। उधर पीछे शहद पुलिस की गाड़ी से एक गन ले आता है और उस स्प्लिंटर पर गोलियां चलाने लग जाता है। अब हम डेनिस के उस हाथ को देखते हैं जो एक स्प्लिंटर बन गया था। वह भी एक्टिव हो जाता है और बाहर आ जाता है, लेकिन फटाकों में आग लगने के कारण वो भी साथ में जल जाता है। अब डेनिस शहद से बंदूक ले लेता है और उन लोगों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि डेनिस भले ही चोर था लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी था। अब डेनिस उस स्प्लिंटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्प्लिंटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और डेनिस बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और अब उसकी गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची थी। शहद और पोली दौड़कर उसके पास आते हैं, लेकिन डेनिस उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और उन्हें वहां से भगा देता है। फिर डेनिस शॉर्ट गन से सामने रखी डीजल वाली टंकी पर गोली चला देता है, जिस कारण उस गैस स्टेशन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसमें डेनिस और वो स्प्लिंटर दोनों मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैम और पोली को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी हम मूवी के अंत में एक जानवर को देखते हैं जो एक नया स्प्लिंटर बन गया था, और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।